नमस्ते बच्चों, पिछली कक्षा में हमने देखा कि सुनीता क्यों खुश है, क्योंकि वो पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी, तो वो खुश है और वो अपनी माँ से उसने अपनी माँ से रुपए और झोला लिया और वो बाजार की ओर चल पड़ी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आता है। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। सड़क मींस स्ट्रीट। सुनीता वाज सो इंटरेस्टेड टू वॉच द लाइफ ऑन द स्ट्रीट्स, क्योंकि वो बहुत कभी कभी ही बाहर निकलती थी, तो उसे सड़क की जिंदगी देखने में बहुत मजा आता था। चूंकि आज छुट्टी है, इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एज इट वॉज अ हॉलीडे, सो शी कुड फाइंड बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे। बच्चे मीन्स चिल्ड्रन, सो शी कुड फाइंड चिल्ड्रन प्लेइंग हियर एंड देयर। सो ऑन द वे टू द मार्केट शी सॉ Children playing here and there as it was a holiday. Chutti means holiday. Sunita thodi der rukkar unhe rassi koodte gend khelte dekhti rahi. Sunita thodi der rukkar. Sunita stopped there for a while and watched them skipping with rope and playing with ball. Gend khelte, gend khelna means to play with ball. Vah थोड़ी उदास हो गई। शी वॉज सैड। वाई शी वॉज सैड? वाई शी वॉज सैड? सैड स्टूडेंट्स, येस, शी वॉज सैड बिकॉज शी कुड नॉट प्ले लाइक दिस। शी कुडंट प्ले विद द बॉल, सो शी वॉज सैड। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। मींस शी आल्सो वांटेड टू प्ले विद दैट विद दोस चिल्ड्रन। शी आल्सो वांटेड टू प्ले विद दोस चिल्ड्रन। खेलना चाहती थी मींस वांटेड टू प्ले। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। She saw a girl in the playground. खेल के मैदान means in the playground. She saw a girl, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। And her mother had come to take that girl back to home. जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। So she saw a small girl in the playground and her mother was also there. Her mother had come to take that girl back home. Dono ek dusre ko tukur tukur dekhne lage. Both of them, that is, who are both, means Sunita and that girl, both of them looked at each other. Dono ek dusre ko tukur tukur dekhne lage. Phir Sunita ko ek ladka dikha. उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। आफ्टर दैट सुनीता मेट अ बॉय। शी सॉ अ बॉय। लड़का मीन्स बॉय। सो आफ्टर दैट सुनीता सॉ अ बॉय। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। See, many children were teasing this boy by calling him छोटू छोटू। चिढ़ाना means to tease, to make fun of. So, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे, many children were teasing this boy, calling him what? छोटू। What is the meaning of छोटू? छोटू। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। उस लड़के का कद, सो ही वॉज वेरी शॉर्ट कंपेयर टू अदर बॉयज। ही वॉज शॉर्ट इन हाइट। ही वॉज शॉर्ट।
सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. सुनीता डिडंट लाइक ऑल दीज थिंग्स. शी डिडंट लाइक बिकॉज ऑल अदर चिल्ड्रन वेर मेकिंग फन ऑफ दिस बॉय. दिस वॉज नॉट लाइक बाय सुनीता. सुनीता डिडंट लाइक दिस. रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी. पहले तो वह मन ही मन खुश हुई परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं. रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी. रास्ते में मींस ऑन द वे मेनी पीपल लुक्ड एट हर एंड स्माइल्ड इवन दो शी डिडंट नो एनी वन ऑफ देम. मेनी पीपल लुक्ड एट हर एंड स्माइल्ड बट शी डिडंट नो हु दे आर. पहले तो वह मन ही मन खुश हुई परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं. So in the beginning she was happy that all of them are looking at me and smiling. So she was happy. Then later on she started thinking, why these people are smiling at me? Even though I don't know them, I don't know any of them, then why they are smiling at me? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों के दुकान के सामने खड़ी मिली. उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी. खेल के मैदान वाली छोटी लड़की. Earlier we said that खेल के मैदान. She Sunita met a girl in the playground. Her mother was also there. So this the same girl she met her again in front of a textile shop. कपड़े के दुकान के सामने मिली. खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़े की दुकान के सामने खड़ी मिली. So the girl with whom she had met in the playground, the same girl was standing in front of a textile shop. Dukan means shop. Uski maa kuch kapde dekh rahi thi. Her mother was buying some clothes. Kapde means clothes. Kuch kapde dekh rahi thi. Tumhare paas ya ajeeb si cheez kya hai? Us ladki ne Sunita se poocha. So that small girl asked Sunita, tumhare paas ya ajeeb si cheez kya hai? What is this strange thing? Which strange thing, student? What is the strange thing there? Yes, the wheelchair. So the small girl was seeing this wheelchair for the first time. So she asked Sunita, "Tumhare paas ye ajeeb si cheez kya hai? Ye strange. What is this strange thing with you? Tumhare paas ye ajeeb si cheez kya hai?" Us ladki ne Sunita se poocha. That small girl asked Sunita, "Tumhare paas ya ajeeb si cheez kya hai?" Ajeeb si cheez means strange thing. What is this strange thing, students? Here, strange thing means that wheelchair. She is asking, "What is this strange thing with you?" Because the small girl she has not seen the wheelchair before. So she is asking, "What is this strange thing?" Yah to bas ek. सुनीता जवाब देने लगी परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया. यह तो बस एक. सुनीता जवाब देने लगी. As Sunita was going to answer that this is just a, she was starting to answer, परंतु उस लड़की की माँ ने, but her mother, that small girl's mother stopped her. She became angry and she stopped her from asking that question and moved that girl from there. Her mother became angry and what did she do? She stopped that girl from asking that question. Maa ne gusse mein aakar, she became angry and ladki ko Sunita se door hata diya. She moved her from there. That mother moved her daughter from Sunita, from there. तो बच्चों आज हमने देखा कि सुनीता बाजार जा रही है. रास्ते में उसे एक छोटी लड़की मिली. उसकी माँ उसे वापस ले जाने के लिए आई थी. फिर एक लड़का मिला जो कद में छोटा था और सब बच्चे उसे छोटू छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, जो सुनीता को बिल्कुल
पसंद नहीं आया। देन वॉट हैपेंड, यस ऑल ऑफ देम सभी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। पहले तो सुनीता बहुत खुश थी कि सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, फिर वह सोचने लगी कि ये लोग मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं। आगे चलकर वो छोटी लड़की उसे कपड़े के दुकान के सामने मिली और वह पूछ रही थी कि ये अजीब सी चीज क्या है, तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है। सुनीता उसकी उत्तर उसका उत्तर देने वाली थी तो उसकी माँ, छोटी लड़की की माँ, गुस्से में आकर उसे वहां से ले गई, उसे रोक दिया, प्रश्न पूछने से उसे रोक दिया और उसे वहां से ले गई। आगे हम उसका बाकी भाग हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो आज मैं आपको एक गतिविधि देती हूँ, वो ये है आपको बताना है कि तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। Why Sunita is interested to watch the life on the streets? According to you, why Sunita is interested to watch the life on the streets? बच्चों, इसका बाकी भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है? You have to read this up to this five times. This chapter up to this five times. Okay? धन्यवाद बच्चों।